कहने को एक हंसी का वाक्या है, पर दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द मैन, कैरेक्टर्स ऑफ द मैन. इफ यू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम हिज बर्थ टू डेथ, लिस्ट ऑफ सो मेनी वॉन्टेड एंड अनवॉन्टेड ड्यूटीज ही हैज बीन परफॉर्मिंग एंड आर नॉट बीइंग अकाउंटेड फॉर. This I have been seeing since I was a child. No credits. मैं इससे पहले कि ऐसी बात पर आऊं, मैं आपको यह औरत मार्च डिफाइन कर लूं. ये क्यों हो रहा है यहां और ये क्यों है औरत मार्च और ये उनका मार्च क्यों है जिनका मसला कोई नहीं है. मेरी वो खातिन जिनके मसाइल हैं या जिनके हुकूक सलब कर लिए गए हैं, उनका तो दूर दूर तक इस मार्च में कोई निशान नामो निशान नहीं है. खुदा के वास्ते जब तक मैं बोल रहा हूं, पे योर अटेंशन टू मी. I was a simple student of economics, and I was a good student of economics actually. Sorry, ये छोड़ दीजिए. तो मैंने कहीं जब उस जमाने में बहुत सारी रेफरेंस बुक्स पढ़ा करता था, तो एक किताब पढ़ी मैंने जो गालिबन, I don't remember exactly the author. It was perhaps Adam Smith or Marshall. तो उसने उस सन का हवाला दिया जब पेपर मनी ईजाद हो रही थी. तो उसने कहा ठीक है, पेपर मनी ईजाद हो रही है, याद रखिएगा ये होल्डिंग प्रेफरेंस क्रिएट करेगी और रिश्ते टूट जाएंगे, आपको जेब में रखने की आदत पड़ जाएगी, ये टच करेगी आपकी बॉडी के साथ. नतीजा क्या हुआ, जिस जमाने में बार्टर हुआ करता था रिश्ते बरकरार रहा करते थे, जिन दिनों में खत लिखे जाते थे मोहब्बतें हुआ करती थी, बात जब मैसेजेस पर आई तो बात खत्म हो गई. तो शादी के कार्ड भी व्हाट्सएप पे आ गए. बिल्कुल सलामत रहिए. तो रिश्ते टूटने लग गए. वही जमाने अच्छे थे जब ईद से चार दिन पहले चूड़ियों के स्टॉल लगा करते थे, हम ईद कार्ड खरीदा करते थे, उनको अपने हाथों से लिखा करते थे, फिर ढूंढते थे बल्कि किसकी लिखाई अच्छी है, वो अच्छा लिखते. उसके बाद इस एक बात को याद रखिएगा, ये होल्डिंग प्रेफरेंस बड़ी कुत्ती चीज है. टच एंड फील, इसने सदियों इस इंसान की परवरिश की और नतीजा क्या हुआ, रिश्ते टूटते और बिखरते चले गए. अब हम आते हैं मुगलों के उस अहद के बाद, उस मनहूस घड़ी पर जब अंग्रेजों ने हम पे कब्जा किया. मैं तीसरी जमात में पढ़ता था जब ये सोचता था, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने सोचा है और नहीं सोचा तो क्यों नहीं सोचा, क्या 25 करोड़ की आबादी को 2.5 लाख की फौज फतह कर सकती है? तो इसका मतलब है आपके अंदर बेगैरती इतनी कूट कर भर गई है कि फतह होने के सिवा चारा ही कोई नहीं है. मेरे अब्बा मुझे हिस्ट्री सुनाया करते थे, वो जितनों परियों की कहानियां नहीं सुनाते थे. तो एक दिन वो उन 200 सालों में जो हमारे यहां सूरमा पैदा हुए उनका किस्सा सुना रहे थे, और मैं हैरत से अब्बा का मुंह देख रहा था. कहते क्यों देख रहे हो इस तरह? मैंने कहा अब्बा ये सचमुच ये जो आप नाम लेते हो बार बार, ये गैरतमंद सूरमा पैदा हुए थे हमारे यहां, तो सच में मुझे हुए थे क्या? कहते क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा अब्बा जहां गैरत होती है वहां गुलामी होती है. ये 200 सालों में जब कोई मुझसे ये जिक्र करे ना फ्रांस सूरमा आपके यहां पैदा हुआ था, मैं अपना मुंह फेर लेता हूं, क्योंकि कुछ नाम मोतबर हैं जिनका हम अपनी तकरीरों में जिक्र भी करते हैं. लेकिन याद रखिए
जिस करोड़ हिंदुस्तानियों की आबादी में अगर 2.5 लाख की फौज आप पर 200 साल काबिज रहे, तो प्लीज ये मत मानिए कि हमारे यहां कहीं गैरत होती थी उस वक्त। आगे चलते हैं। वो 200 साल उन्होंने कैसे रूल किया? वो 200 साल उन्होंने इस तरह रूल किया, पहले उन्होंने जंग लड़ी और जंग जीते। जंग कैसे लड़ी? आपको टुकड़ों में बांटकर खरीदा उन्होंने, एक एक करके एक एक हिस्सा फतह करते चले गए। आप तारीख पढ़िए तो आपको पता चलेगा, यक पुश्त हिंदुस्तान से फतह नहीं हुआ। आखिर में वो पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो गए। फिर उन्होंने क्या किया? हम जैसे लौंडो लपाड़ों को चुना, हमें किसी को अफसर बना दिया, किसी को मजिस्ट्रेट बना दिया, किसी को क्लर्क बना दिया, किसी को डिप्टी कमिश्नर बना दिया, किसी को असिस्टेंट कमिश्नर बना दिया, और हम एक दूसरे के ऊपर फखर से रूल करने लग गए, और ऊपर वो बादशाह बैठे हुए थे। और मुझे याद है, मैं अपने बचपन में सुना करता था, किसी ने अपनी पाकबाजी और फेथफुलनेस की बात करनी होती थी तो कहता था, मैंने ये, मैं उनकी जगह होता तो डूब के मर जाता। ये सिलसिला पाकिस्तान बनने के बाद लगा होगा कि खत्म हो गया है। अरे नहीं हुजूर, ये खत्म नहीं हुआ। अब इसको किसी और तरह आना था। एक मुल्क बन गया जिसके बारे में कईयों ने कहा कि ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा। ऐसा हुआ भी, एक हिस्सा उसका 25 सालों के अंदर अंदर टूटकर हमसे अलग हो गया। लेकिन इस मुल्क ने तो रहना था ना, किसी भी हाल में, किसी भी शेप में। फिर एक वारदात हुई कि 1974 में इंडिया ने एटमी धमाका कर दिया। किसी के क्या इख्तलाफात हों, पर वो मर्द मुजाहिद था जिसने ऐलान किया कि मैं, हम घास खाएंगे पर एटम बम बनाएंगे, वो बन गया। एक इकलौता 53-54 इस्लामिक मुल्कों में एक इकलौता पाकिस्तान जिसने ये गलती कर ली। और हेनरी किसिंजर ने मुंह पर खड़े होके कहा कि तुम्हें इसकी सजा दी जाएगी, और वो सजा गालिबन 4 अप्रैल 1979 को उसको दे दी गई। बात यहीं तक खत्म हो जाती तो उसकी कुर्बानी काम कर गई होती, बात यहां खत्म नहीं हो रही थी। ये हजम नहीं होना जब तक हमारी एटॉमिक कैपेबिलिटी पर किसी ना किसी तरह कंट्रोल हासिल नहीं कर लिया जाता। तो क्या किया गया? ये खुदा के वास्ते मैं इस बात से डर रहा हूं क्योंकि बार बार जब मैं फौज का नाम लेता हूं तो कोई मुझे उनसे जोड़ ना दे। मैं अब आपको खलील रहमान कमर को इससे पहले के आगे बढ़ूं डिफाइन कर लूं। 1965 में मैं 3 साल का था, शादबाग लाहौर का रहने वाला हूं। तो वहां जहाज गिरा इंडिया का अपना जंग में, तो कोई 700-800 लोग जो हैं उस जहाज की तरफ भागे, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह उनमें सबसे आगे खलील रहमान कमर था। मुझे एक फौजी ने रोका गुस्सा करके, तो अल्लाह जानता है कि उतना ही गुस्सा वापस मैंने किया और वो हंस पड़ा। खैर मुझे तो नो है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने इतनी बदयानती देखी है कि अब मुझसे देखी नहीं जाती। तो मुझे याद है सिवाय जियाउल हक के जमाने के, मुझे नहीं याद पड़ता कोई फौजी मुझे नजर आया हो और मैंने उसको सल्यूट ना किया हो। मेरा बेटा बाजुकात इस बात पे चिढ़ जाता था, और मुझे याद है वो चिढ़ना उसका मोटरवे के सफर के दौरान था। तो कोई 80 या 100 किलोमीटर के सफर में मैंने उसको कन्वेंस कर लिया कि मैं फौजी को सैल्यूट क्यों करता हूं। मैंने उसको बताया, खुदा की कसम शायद मैं इसको सैल्यूट नहीं करता, उस माँ को सैल्यूट करता हूं जो इसको हमारे लिए शहीद होने के लिए भेज देती है। मैं जो अपने बच्चों को संभाल के रखता हूं और अपने आप को बहुत बड़ा पैट्रियट समझता हूं, मैं अपना कोई बेटा फौज में नहीं भेज सका।
तो मैं हमेशा जब कोई फौज के बारे में बात करता है तो जिन्होंने कोई गुनाह किए होंगे मुझे लगता है वो उन माँ बाप को गाली दे रहे हैं जिनके बेटों की शहादतें होकर आई और उन्होंने जनाजे वसूल किए और कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेटा हमारे मुल्क पर कुर्बान हो गया। तो एटॉमिक कैपेबिलिटी आपकी कौन संभालता है? योर आर्मी। तो कैसे हम हाउ कैन वी दैट पर्टिकुलर पावर विच इज टेकिंग कंट्रोल ऑफ दैट एटॉमिक कैपेबिलिटी दैट इज टू सम हाउ एंगेज दम इन टू थिंग्स। कभी ईस्टर्न बॉर्डर पर, कभी वेस्टर्न बॉर्डर पर, एक से जान खलासी होती तो दूसरे बॉर्डर पर, और ये नहीं होता तो 30 लाख अफगान महाजरीन हमारे मुल्क में आ जाता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जब से मैंने होश संभाला इस मुल्क में देख रहा हूं। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, जब से मैंने होश संभाला है मैं इस मुल्क में देख रहा हूं, और जब से आपने होश संभाला सब तब से आप भी देख रहे हैं। हर 5 साल बाद हमें एक नारा दिया जाता है कि हम आपके हालात ठीक कर देंगे, और वो पहले से ज्यादा दिगर घूम करके बहुत सारे दूसरे लोगों को इल्जाम देकर चले जाते हैं, और जो अगले आते हैं वो अगले 5 साल पिछलों को मुर्दे इल्जाम ठहराते हुए गुजार देते हैं। आपके मुल्क में का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह रहा कि लॉ इक्वली प्रिवेल नहीं करता। कभी कभी तो यूं लगता है कि लॉ और लॉ में मौजूद सारे सुकुम बैठकर तैयार किए जाते हैं कि वे अलीट क्लास को किस तरह सहूलत दे सकेंगे। कभी मैंने लिखा कि मर्दों की सहूलत का नाम है तवाइफ, तो जरा मैचअप करके देखिए क्या यहां भी यही बात तो नहीं है? सियासत में भी यही है, जितने आपके कानून बनते हैं उसमें ऐसे सुकून छोड़ दिए जाते हैं, या फिर अचानक उनकी एक नई इंटरप्रिटेशन होती है और एक नया हक एक अलीट क्लास के किसी आदमी को देकर उसे इलाज करवाने के लिए बाहर भेज दिया जाता है। मेरा किसी से कोई अनाद नहीं है, आई डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी, बट यही राइट खुदा के वास्ते हर उस आदमी को दे दीजिए जो जेल में सालों से बंद पड़ा है। दैट will never be given to them, that was never given to was given to them. उसका नतीजा क्या होता है? जब हकूक सलब होते हैं तो डाउन द लेडर जब हम आते हैं एलीट क्लास से तो ग्रेजुअली सबके हकूक सलब होते चले जाते हैं, एंड दैट इज इक्वली फॉर द मैन एंड फॉर द वीमेन। मैं अक्सर 35-36 कहा करता हूं, 35-36 इनके साथ वर्गलाई हुई कुछ हमारी बच्चियां, आप किसी ने जो यहां बैठे हैं अशखास उन्होंने नजारा किया कि उनमें कितनी खातिन थी जिनके सचमुच हुकूक सलब कर लिए गए, बल्कि वो तो कईयों के हुकूक सलब करके कल शाम को उस फंक्शन में पहुंची थी, उस फेस्टिविटी में पहुंची थी। दैट वॉज अ फेस्टिविटी। आप याद कीजिए किसी कैमरे ने ये रिकॉर्ड किया हो कि उनमें से किसी की कोई मेड उनके साथ आई हो, है उनके कोई हुकूक? नो। ये बराबरी की जब बात करती हैं मुझे दुख होता है कि ये क्या गिरकर मर्द के मयार पर आना चाहती? हमारे यहां तो अच्छी औरत का वो रुतबा है जहां मर्द उसकी गर्द को नहीं पहुंच सकता, खुदा की कसम नहीं पहुंच सकता, फजीलत दी गई मर्द को, तो ये भी इश्तहार करना बाकी है कि ये फजीलत जिम्मेदारियों में तो नहीं है, ये तो तय नहीं हुआ। औरत को नहीं कहा गया कि इसके नान नफके का बंदोबस्त करो, हमें कहा गया, तो ये शायद फजीलत हो, या वो फजीलत थी जो थोड़ी
कोई फिजिकल पावर है हमारे पास तो उस फजीलत का उस फजीलत के इस्तेमाल से भी मना किया गया कि देखो नाजुक सिंफे नाजुक है हाथ मत उठाना इस पर। तो शायद ये कुर्बानियां देने का नाम था फजीलत, वरना सारी जिंदगी हमारी तरबियत कौन करता रहा है? पहले 20-25 साल मां, बाकी 40-50 साल बीवी। सुबह चले जाते हैं हम घर से, हुकूमत कौन करता है? हमें जो रात को फैसले सुनाए जाते हैं उनमें से किसी एक फैसले पर कभी कभार हम खफा होने की जरूरत करते हैं तो सुबह तक जलील होते हैं। से चूर शाद को घर पहुंचते हैं तो हम चाहते हैं कि खुदा के वास्ते आज मैंने कोई नवा किस्सा सुनाए, मैं सो जाऊं आराम से, मेरी थकावट दूर हो जाए, तो हफ्ते इतवार को कभी छुट्टी होगी तो करेंगे बात के घर में क्या हो रहा है। Am I wrong? बल्कि मैंने तो कई दफा आके पूछा अरे क्या हो रहा है, तो मुझसे पूछती है कि क्यों पूछ रहे हो तुम। मुझे मिसोजिनिस्ट कहा गया, ये इनका तरीका है वारदात है। अच्छा मैं रुक गया कहीं, यहां बाद में आता हूं। अब ये सारी दुनिया में ये दिन मनाया जा रहा है तो यहां मार्च की जरूरत क्यों पड़ गई? शुरू शुरू में जब इंडिया 12 लाख की फौज लेकर कश्मीर पर चढ़ दौड़ा तो हम सारे बहुत दुखी थे। मेरा एक दोस्त मोहम्मद कमाल पाशा राइटर है, वो बड़े राइटर, वो अक्सर मुझे कहा करता है कलीलो रहमान कमर पाकिस्तान की यादाश्त बड़ी थोड़ी, अगली खबर तो बाद पिछली खबर भूल जाते। तो ये एक अगली खबर है विच इज टू बी गिवन टू द इंटरनेशनल मीडिया कि डिवर्ट योर आईज फ्रॉम कश्मीर इशू। हम जो इतनी मेहनत करते हैं उसको इंटरनेशनल मीडिया की अकर रहे हैं कि आंखों में लाने के लिए, इट इज टू बी डिवर्टेड। नो, वो बेवकूफ लोग थे जिन्होंने कल इनके मार्च पर पथराव किया है, वो जाहिल लोग थे जिन्होंने इन पर पथराव किया है। किसी चीज को मार देने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है कि उसे अन इंपॉर्टेंट बना दिया जाए। कल इन्होंने पत्थर मार के इनको इंपॉर्टेंट बनाया है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि ऐसा कोई मारका दोबारा हो तो कोई बदनसीब आदमी कोई दीवाना मर्द मार्च ना निकाले। अगर हम मर्द मार्च निकालेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए वीमेन मार्च को जस्टिफाई कर जाएंगे। वीमेन बिलोंग टू अस एंड वी बिलोंग टू वीमेन। ना उनसे पूछे बगैर हमारी जिंदगी को चलाने की कोई औकात थी, ना है ना होगी। गलतियां की जा रही हैं, वो गलतियां जो यहां शोरश बपा रखे, जो हमारे अदारों को अंगेज रखे विद इन द कंट्री। और सबसे बुरी जंग वो होती है जो किसी फौज या किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को अपने मुल्क के अंदर लड़नी पड़ती है। इकॉनमी तबाह हो जाती है, पॉलिटिकल सिचुएशन डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, एजुकेशन का बेड़ा गर्क हो जाता है जो ऑलरेडी हो चुका। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं जो किसी को कहता है कि वहां से फंड आ रहे हैं फिर नया पकड़ लेता है फिर साबित नहीं होता। मैं खुदा की कसम जानता हूं फंड कौन से बैंक में आ रहे हैं और किस अकाउंट में, वो अदारों को भी पता है। इट इज नॉट माय ड्यूटी कि मैं उनको आपके सामने डिस्क्लोज करूं। दैट इज अ सीक्रेट विच हैज वेरी रिसेंटली बीन टोल्ड टू मी।
ये इतनी पक्की नौकरियां हैं एंड दे आर सो फेथफुल. फिर वही अब मैं आपको याद दिलाता हूं, मैं अंग्रेज दे जमाने का यू नो ये वही है. दे विल बी एब्सोल्युटली फेथफुल व्हेन दे विल बी वर्किंग इन यूरोप एंड दे विल बी एब्सोल्युटली डिसऑनेस्ट व्हेन दे विल बी वर्किंग इन दिस कंट्री. मेरा ख्याल है मेरा मुल्क जिन लड़कियों जिन औरतों पर मबनी है उनकी वजह से हम जब बाहर जाते हैं तो अकड़ कर चलते हैं. यू आर आर प्राइड कि मेरे मुल्क में ऐसी खातून है जो पूरे फैमिली स्ट्रक्चर को बनाती है, संवारती है और उसको लेकर आगे बढ़ती है. पिछले 10 सालों से एक साजिश शुरू हुई लगातार खुदा के वास्ते. वो क्या कुरान शरीफ में आयत है जिसका कई दफा तज़किरा किया, और फिक्र करो कि फिक्र करने वालों के लिए निशानियां हैं. तो वो निशानियां हमने नहीं ढूंढी. 10 सालों में लगातार खातीन राइटर, सड़ी हुई डिवोर्सी राइटर, आज मैं आपको बता रहा हूं, वो ड्रामा लिख रही हैं, सास बहू नंद और भाभी के ऊपर, और गाली दे रही. कभी सास को गाली दी जाती है, कभी नंद को गाली दी जाती है, कभी भाभी को गाली दी जाती है. कौन है ये सब औरतें? इसके बाद बाकी का बचता बेटी. तो वो बेटी भी होती है जो लिख रही है उस वक्त, एन उस वक्त वो एक सास, अगर वो सास नहीं है तो वो बहू है, बहू नहीं तो नंद है, नंद नहीं तो भाभी है, भाभी नहीं तो बेटी. और ये गाली तवातुर से 10 साल से दी जा रही है. और मैं अकेला बोल रहा हूं कि याद रखना, दिस इज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी. हमें मौजूदात से हटा दिया गया और उसी ऐसे ही प्ले में दामे दर में कुत्ते की तरह मुंह खोलकर मर्द को गाली दे दी जाती है. यूं लगता है मर्द को पागल है, ये दरवाजा खुला निकला उसने औरत पकड़ी मारना पीटना शुरू कर दी. कोई यार ऐसी कार बढ़ने लगे जूतियां साफ करने, या अल्लाह खैर है. इरफान खोसे साहब एक दफा मेरे साथ यके बाद दीगरे दो दिन कहीं गए, तो मैं आके ना रैम के साथ वो स्टेप्स नहीं होते उनके ऊपर आके अपनी बूट इस तरह साफ करता था. तो दूसरे दिन जब मैंने साफ किया तो कहते खलील साहब मसला की दादा, तुसी एसी कमरे चो निकले हो, एसी गड्डी च बैठे हो, एसी ऑफिस च गए हो दोवें दिन, तो साफ की कर दोगे? मैं कह यार खोसे साहब मैनू ही समझ नहीं आ रही, लगता है ए जिहड़ा मैं रड़ना वा ना तो मैं अंदर उड़न लग्या अपनी औकात याद करना. सारा दिन काम करने के बाद जो इकलौती आरजू क्या होती है कि घर जाए तो वो मुस्कुरा के देख ले, सुकून देवे ना देवे, इसी में फायर काफी हो जाते हैं हम, खुश हो जाते हैं हम. कौन से मसाइल थे, कौन से हुकूक थे जो सलब कर लिए गए हैं ना इनको मालूम है. मैंने एक बात कही, मेरा झगड़ा ही कोई नहीं था आप औरत के किसी हुकूक, मैं तो चाहता हूं मेरे यहां की लड़कियां परिंदों की तरह फिरे सतह ढांप के विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर, या तो इनकार कर दीजिए आप मुसलमान हैं. अगर मुसलमान है तो वो लिमिट्स के अंदर रह के आप परिंदों की तरह उड़िए यार. और वी आर देयर टू प्रोटेक्ट यू, देयर आर एलिमेंट्स इन अस एंड वी स्नब देम ऑल. मैंने इनसे कहा और जब मैंने 3-4 मीटिंग्स कर ली मुख्तलिफ शोज में, मेरी ऐसी फेमिनिस्ट से भी बातचीत हुई जो अभी नई नई फेमिनिस्ट हुई थी. तो मैंने कहा मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ये अपने मंशूर को ताराज कर देंगी, उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देंगी,
ये नारे नहीं हटाएंगे गलीस। उसकी क्या वजह है? इन्हीं नारों की वजह से तो झगड़ा होना है। कोई मजहबी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट भड़केगा, वो इन पर पिल पड़ेगा और ये इंटरनेशनल मीडिया और हम कश्मीर गया भाड़ में। वहां कितनी इस्मत दरिया हो गया वो गई भाड़ में, वहां कितने बच्चों का खून बह गया वो गया भाड़ में। ये एक स्टेटिस्टिक्स उठाई फिरती। मुझे जरा कोई खातून उससे ये भी पूछे, 22 करोड़ की आबादी में क्या क्राइम नहीं होंगे? होंगे। 108 या 216 मर्दों ने अगर किसी औरत के मुंह पर तेजाब फेंक दिया है तो यार हम हमारे हत्थे चढ़ दे, हम वहीं जान से मार दें। वी आर सच पीपल, वी कंडेम इट। यार कौन मर्द है जो इस बात को सपोर्ट करेगा कि किसी औरत के मुंह पर तेजाब फेंक दिया जाए? लानत ऐसे ऐसे एक्ट के ऊपर। तो हमें किस बात में फिर रही हो हमसे? हम बोतल लिए डाल के जेब में फिर रहे हैं? मर्डर कितने होते हैं? दैट इज अ लॉन्ग लिस्ट, क्योंकि वो 95% मर्द होते हैं। उसका कोई ख्याल नहीं, दैट्स अ क्राइम। गाड़ियां कितनी चोरी की जाती हैं? वो मर्दा नहीं होंगे, दैट्स नॉट अ क्राइम। क्राइम सिर्फ ये है कि एक शौहर ने अपनी बीवी को मारा है। मैं अपने किसी दोस्त को, मेरे बड़े अजीज दोस्त भी आकर मुझे कोई बताए ना कि मैंने आज अपनी बीवी के मुंह पर थप्पड़ मारा है, तो कम से कम उस दिन की हद तक मैं उसको अपने पास ना बैठने दूं। कौन चाहता है यार, बीवी कौन लेके आता है ये सोचकर कि इहदे कोलों मैं मॉडल बनावांगा, इहदे कोलों मैं कपड़े धोवांगा, इन मैं फरदन फरदन चपेड़ा मारा करांगा। नेशनल बैंक से करियर का आगाज किया तो 1665 रुपए 80 पैसे तनख्वाह थी मेरी, तो शर्म आती थी बीवी को बताते हुए, यार काश मैं 16580 रुपए बता सकूं। झाड़ू देता था उसके साथ, वाइपर फेरता था उसके। और मैंने ये अकेले ने नहीं किए भाई, हाँ जो नहीं मानेगा झूठ बोलेगा। दाले चुन के देता था, मेरी माँ कहा करती थी आटा बहुत अच्छा गूंधता है, वो गुंधवाने के लिए कहती थी, लेकिन मैं एक्सपर्ट हो गया इसी। खाना पकाना सीख लिया, मेरी बेटी बीवी को अंडा उबालना नहीं आता था, जब शादी हुई हमारी वो तोड़ देती थी अंडा उबल उबल के ना, उसका छिलका टूट जाता था। खाना पकाना सिखाया उसको, उसके साथ बच्चों बेटियों को फीडर पिलाया करता था। मुझे मिसाजिनिस कहते हैं। मैं यहां बैठा हूं, मेरा बाप, मेरा ताया, मेरा चाचा, मेरा बेटा कोई यहां से मुझे नहीं बुला सकता, लेकिन मेरी बेटी अगर आवाज देगी मैं उठ के चला जाऊंगा। मैं मिसोजिनिस्ट हूं। अगर मैंने कुल 50 ड्रामे लिखे हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह 49 ह्यूमन राइट्स पर लिखे। डूब के मर जाए अपनी पूरी फेस्टिविटी के साथ, कि अभी जो मेरी फिल्म आ रही है लंदन नहीं जाऊंगा, वो 6 महीने पहले लिखी गई और वो विमेन राइट्स के ऊपर है। हूं भलियो की मर जाए ही। मैं लिख लिख फावा हो गया वहां, तो तुसी मैंने मिसोजिनिस कहनी है? ऐ मैंने मिसोजिनिस की मदद की गल नाम ही होने पता लगा है कुछ चार। सिर्फ इतना पता चला कि किसी मर्द को कहते होंगे, बाद में पता चला नहीं, द मैन हू हेट्स वीमेन दे आर कॉल्ड मिसोजिनिस। कोई तफरीक मर्द और औरत में रखेंगे, कोई समाजी बंटवारा करेंगे, आप उन मादूदे चंद मुल्कों में से हैं जहां जहां फैमिली स्ट्रक्चर बचा हुआ है। आप अपने फैमिली स्ट्रक्चर का पीड़ा गर्क कर देंगे। पंजाबी में कहते हैं कि हत्थी दित्तियां दरियां पैंदियां ने, ये यूरोपियन खोल रहे हैं आजकल, अमेरिकन खोल रहे हैं आजकल। आजकल उनकी मोस्ट ऑफ देयर टेलीविजन प्रोडक्शंस
इसलिए बन रही है कि वो किसी तरह फैमिली स्ट्रक्चर्स को स्ट्रक्चर को रिकवर कर ले. वो वांस लॉस्ट नेवर बी गेन्ड बैक. ये तारीख गवा रही है. सदियां लगती हैं किसी मुल्क को बनने में और सदियां ही बर्बाद होने में, इसलिए पता नहीं चलता कि कब बर्बादी हो रही है और कब मुल्क बन रहे हैं. मैं खुदा के वास्ते आप लोगों से सिर्फ ये कहता हूं कि दिस इज हाई टाइम. ये जो सांप बिल में छुपा हुआ था, किसी ने मुझे कहा खलील साहब आपके बोलने की वजह से इनको शय मिल गई है. मैंने कहा ना, मान लीजिए कि मेरे बोलने की वजह से आपको पता चल गया है कि ये सांप बिलों में मौजूद है, मेरे बोलने से ये फन फिला के खड़ा हो गया और इससे पहले कि ये आस्तीनों तक पहुंच जाए इसको गर्दन, इसकी गर्दन मार दीजिए. गर्दन मारने का मतलब हरगिज नहीं कि कोई पत्थर उठा के उनके ऊपर हमलावर हो जाए. ये जो 35-36 हैं, ये तो दे आर ट्रूली ऑन जॉब एंड पेरोल. इनको आप कभी कन्विंस नहीं कर पाएंगे. लेकिन कुछ जो हमारी बच्ची हम भटक गई हैं, बहुत जरूरी जिम्मेदारी है हमारी औरतों के ऊपर कि उनके साथ डायलॉग करें और उनको समझाएं कि इज्जत औरत होती है, रंडी औरत नहीं होती. मैं चूंकि कुदरत ने मुझे यहां तक पहुंचाने से पहले 23 साल उनके बीच में रखा है, जिनकी पूरी औकात को मैं जानता हूं, किस कमाश की वो औरतें हैं, क्या क्या कमाई के जरिए हैं और किस किस तरह वो करप्शन से कमाए हुए पैसों वाले मर्दों को मैनिपुलेट करती हैं, इसलिए उनकी चीखें निकलेंगी. आपने देखा मेरी फ्रटर्निटी में कितनी औरतें मेरे खिलाफ बोली. ये औरतें फोने कर करके रात को 3-3 बजे मुझसे काम मांगा करती थी. अब नहीं मिलने वाला. सर मुझसे बड़ा दिल किसका है? सर आई लव यू. आई लव यू ऑल. आई लव यू. वी लव यू. मैं अपनी उन बच्चियों को यह बताना चाहता हूं, ये जो कहती है ना हमें मर्द की जरूरत नहीं है, इनमें से 90% मिड एज क्राइसिस में है. ये रातों को उठ के, ये मैं जोक नहीं कर रहा हूं, आई एम विटनेस ऑफ इट, ये रातों को उठ के चीखे मार के रोती हैं. इनसे कोई साल भर के लिए शादी कर लेता है कि इसलिए कि चलो ये खलीला है. तो साल भर इसके साथ गुजार लेते हैं ताकि अपने दोस्तों को कल बताया करें कि साल वो मेरी बीवी रही है. मैं आपको सही बोल रहा हूं, नाम किसी का नहीं ले रहा, अपने नाम का बेड़ा कर लिया. इनके पास बाकी क्या रह जाता है? मांस खिंचवाना, बोटॉक्स कराना, नए दांत लगवाना, ये रैपर बदलती रहती है. रैपर बदलना इनसिक्योरिटी है. इनसिक्योर रहने वाली औरतों को आप पूरी दुनिया में के किसी खत्ते में ले जाए कुछ नहीं रख सकते, क्योंकि वो आईने में अपनी शक्ल देखने से पहले दूसरों की शक्ल देखती है. वो कैसी है उससे आप कभी खुश नहीं हो सकते. उनको हर लड़की से जेलसी है. और उसके बाद एक हमारे यहां बदकिस्मती से, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, हिजड़ों की एक फौज आ गई है. उसने मेरी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया. उसमें कुछ हिजड़ों को आप हीरो के रूप में भी देख चुके हैं माशाल्लाह. मैं अपने ड्रामे में कास्ट करने से पहले बकायदा चेक करता हूं कि हिजड़ा तो नहीं.
गलती मुझसे भी हो गई। अपने ही रोल में, खलील के रोल में मैंने एक हिजड़े को कास्ट कर लिया था। ये मुझे कल पता चला, इसलिए मुझे पता चला कि मुझसे गलती हो गई। मेरा मैं कोई खामोशी नहीं सर। मुझे दुख इस बात का है कि जब तक बीबी जिंदा रही मैं पीपल्स पार्टी का आदमी रहा, कि वो बीबी का बेटा है और उर्फ आम में वो बेटा है। अल्लाह से बस ये दुआ कीजिए, मेरी दुआ है कि उस दिन मुझे मौत नसीब हो जाए जब वो हमारा प्राइम मिनिस्टर हुआ। अभी हमारे यहां कुछ गलतियां हो रही हैं। ये जो मिजाज बना है जिसमें एक फेमिनिस्ट नाम का गिरोह बाहर निकला है और उसने इस कीचड़ में पांव रखकर छींटे हमारी बेटियों बहनों की तरफ फेंके हैं, तो इन छींटों का असर जरूर होगा, याद रखिएगा। हमारे यहां जहां सख्ती होती है बहुत ज्यादा हो जाती है, बेटी के साथ डायलॉग नहीं होता, ये गलती है। मोहब्बतें वहां कम हो जाती हैं जहां कम्युनिकेशन नहीं होता। रिजिडिटी बच्ची को फीलिंग देती है कि वो कैद है, बच्ची को हुकूमत करने दीजिए, वो कैद भी रहेगी। सॉरी सर, मैं मैं आपको एक गुर सुनाऊं। मैंने अपने बीवी को पहली बात जो जिंदगी में कही, मैंने कहा रूल ऑन मी। तो एक दिन मुझे उससे पूछा, जब वो बड़ी हो गई, उस वक्त 15-16 साल की थी, कहती तुमने मुझे ये क्यों कहा और मैंने मुझे रूल कराया तुमने। मैंने कहा तुम्हें पता नहीं है मैंने तुम्हें ये कह के अपना गुलाम बना लिया। यू ऑलवेज रूल्ड ऑन मी लाइक अ स्लेव। आप हमारे मर्द क्या गलती करते रहे, घूंघट चुकिया तुम क्या गाल सुन, मेरी मां की इज्जत करी हो, कभी नहीं करेगी। वो कोई पागल दी पुत्र है, उन्हें नहीं पता मैं मां की इज्जत करनी। जब आप उसको ये कंडीशन ठोसते हैं ना उसके ऊपर, फिर नहीं करती वो कंडीशनल। आप औरत को कंडीशंस में मत डालिए, वो मोहब्बत का नाम है औरत, उसको सेल्फ रेगुलेट करने दीजिए। जो जो हम कंडीशंस पुट करते हैं वो करती चली जाएगी, फिर आपकी वीकनेसेस ढूंढेगी और फिर उन्हीं वीकनेसेस को मैनिपुलेट करते हुए एक दिन आप या तो किराए के घर में होंगे या नए घर की बुनियादें रख रहे होंगे। मैं सच कह रहा हूं आपको, एक उम्र आपकी मां जब हुकूमत कर लेती है तो अगली अमरीका बरतानिया आ रहे 93 साल दी ना कर दो, कि सारे बादशाह वलियर मरी जा रहे हैं, वो स्टिल ले उठे जो थे। मां से चाबियों का गुच्छा लेकर उसको दीजिए, नाउ इट इज योर टेन्योर। ये नहीं करते हम खुद बेवकूफियां करते हैं और बाद में अपनी बीवी को ब्लेम करते हैं। ब्याह तो पहले जो तो ब्याह करा होता है मां जी लता कुट रहे होने, जिस दिन आ जाती है उदो को नजर चुरा के निकल जाने उधर। सर वो लत 5 मिनट होर कुट दियो, वो तुम आप ही कहेगी जा पुत्र इंतजार कर दी पे। पर ये नहीं करते हम और उसका सारा ब्लेम लड़की के ऊपर आ जाता है। सर मैं आपसे सवाल करना चाहती हूं। जी बिस्मिल्लाह। जी मैं पास से आई हूं और मैंने फैशन शो करती हूं। जी मां, मैंने 35 फैशन शो किए हैं फ्रेश लोगों के साथ, और मैं ये कहना चाहती हूं कि हम टीवी कॉरेस्पोंडेंट हूं। वी हम टीवी को, हां क्लास में, और मैंने आज तक जो फ्रेंच जो प्रोफेशनल मॉडल्स हैं उनको मैंने रैंक पे अपना कल्चर दिखाया है। माशाल्लाह। तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज हम इस लोगों को साफ दिखाएं और लेके चले। तो अभी मैं ये पूछना चाहती हूँ ये कंपेन कहाँ करते हैं?
कौन सी कैंपेन? ये जो भी चल रही है, ये कोई कैंपेन? ये अपनी मौत मर जाएगी, वो चार पत्थर ना मारेंगे आपके साथ है। आप इंशाल्लाह हम यूरोप में इस चीज को आगे लेके जाएंगे, चाहे किसी भी। मैं अभी एक बात, एक जमाना था, ये मैं कहते हुए डरता हूं अपनी अच्छी खातिन से, हमारी अच्छी खातिन भी कुछ गलतियां करती हैं। मैं एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूं, एक मिसाल, एक वाक्या सुना रहा हूं, बहुत कुछ कहे बगैर उससे कुछ समझ लीजिएगा और इसको सिखा दीजिएगा जो सीखने के लिए आपके हिस्से में आता है। बहुत बुरे हालात थे मेरे 98 में, वो एक डेढ़ साल मेरा ऐसा बुरा था कि मेरे बच्चे को 35-36 घंटों से भूखे थे। 50 का एक नोट था मेरे पास और मैं एवेन्यू स्टूडियो में परेशान था और बहुत, और उस जमाने में मैंने एक जुमला भी बोला था कि कोई बाप हथेली पे भूख रख के अपने बच्चों के सामने खड़ा नहीं हो सकता। तो मैं ताश खेलने लग गया, बैंक एक वहां गेम होती है, वो एक समझिए सॉर्ट ऑफ जुआ था। तो वो बैंक में एक नलायक आदमी था खेलने में, लेकिन मैं 2200 रुपया जीत गया। तो 200 रुपया मैंने गुडविल दी, बैंक की गाड़ी थी, अभी मेरा रिजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ था, तो 272 रुपए की मैंने टैंकी फुल कराई, आटे का एक गट्टू लिया, डाले का एक डब्बा लिया, कोई 225 इतनी कीमत थी उसकी, कुछ मटन लिया और मैं घर पहुंचा, कुछ 700 सिर्फ 750 के दरमियान पैसे थे। तो मैं दरवाजा खुला तो मैं देख के अपनी बीवी को, मेरी बीवी ने मेरी तरफ देखा और मैं मुस्कुराया। आदमी मेरे साथ होता था, मेरा डायरेक्टर दिलावर मलिक, उसने उठाया हुआ था वो सामान, तो मैंने कहा ये लो। कहती है कितों ले आए? मैं कहा जिंदगी जी कह रहा हूं माफ कर दे। कहती तौबा कर, वापस लग जा। शी नेवर टुक दैट मनी। मेरा ईमान है मां से ज्यादा तरबियत बीवी करती है, याद रखिएगा। और अगर आपने वो तरबियत नहीं की, आपने सामने वाली के सना सफीना का सूट देख के उसको कहा है ना सना सफीना का सूट ही चाहिए आज, तो याद रखिएगा आप उसको गलत रास्ते पर डाल रही हैं। और जब आप हराम कमाने निकलते हैं, हराम फिर रुपए का हो या 600 बिलियन बिलियन रुपए का हराम होता जी, और हराम हराम च निकलता जी, इधर बाद बंदे सामने नहीं जाते ना, दैट इज द बेसिक रीजन। 50% मर्द बंदे का पुत्र बन जाएगा अगर आप उसको कसम खा के कह दे जो हलाल के पैसे कमा रहा है, कमा के ला रहे हो, मैं उसमें गुजारा करूंगा। मैं आपको कसम खा के कहता हूं कि हलाल से कमाए हुए पैसों से मर्द आरामजदगी नहीं करता, उसको उस पसीने की खुशबू हमेशा काटती रहती है जो उसने पैसे कमाने में बहाया होता है, और कभी कभी वो उसके लहू से भी ज्यादा मोहतबर होता है। कोई अगर आपके पास हुस्न नहीं है तो ब्रांड आपको हसीन नहीं कर सकती। एंड व्हाई डोंट यू थिंक, व्हाई डोंट यू डिसाइड कि यू बिकम ए ब्रांड? आपको पता है आप में से जो भी, आप जो अच्छी खातीन है, दे आर ब्रांड। उस ब्रांड के सारे हम गर्दन तान के बाहर के मुल्कों में फिरते हैं कि आर वुमेन इज लाइक दिस, दे आर नॉट लाइक योर्स। और वो शौहर जो घर से ठस्से से निकलता है, आपका क्या ख्याल है कोई गरूर होता है उसको? ना ना, उसका ईमान होता है कि एक बावफा बीवी घर पे उसके सारे मसाइल को अपनी मुट्ठी में दबोच के बैठी हुई है, और जब तक वो लौटता नहीं कमा के, वो ये मुट्ठी खुलने नहीं देगी। और तुफ है ऐसी औरतों के ऊपर, हजार लानत है मेरी तरफ से उस औरत के ऊपर
جو عورت شوہر کے آنے سے شوہرت کی غیر شوہر کی غیر موجودگی میں وہ مٹھی کھول دیتی ہے. بے شرمی سے میرے ایک میرے ڈرامے کے ایک ڈائلاگ کے اوپر قدغنیں لگائی گئیں اور اس کو مشہور کر دیا گیا کہ میں نے 2% کی عورت کہا ہے. وہ ڈائلاگ تھا اس 2% کی لڑکی, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا اتنی بھی اردو ابھی یاد نہیں رہی؟ That is specific, this particular girl who has committed this sin and none else. اس کا اصل مطلب یہ ہے and none else. آپ کسی حرامی اینکر کے منہ سے سنیے, دو ٹکے کی عورت بولے گا. ابے کا نام خالد ہے تو خلیل بول سکتے ہیں؟ یا تو وہ بھی بولو, بولے گا وہ بھی, وہ نکلیں گے, وہ نکلیں گے. اس ایک منٹ سر, اس 2% کی آپ سن لیجئے, دیکھ لیجئے, آپ کے پاس موجود ہے وہ. اس 2% کی لڑکی کے لیے آپ مجھے 50 million دے رہے تھے اور شہرتیں حاصل کرنے کے لیے, ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس کا نام, میں نے جی کہہ دیا 2% کی عورت ہے تو آدمی مسوجنسٹ ہے, مسوجنی ہو گئی. ارے ظالموں, آپ لوگوں کے خوبصورت ہونے کی نشانی یہ ہے کہ میں ایک یا ہم سب مرد ہیں, اس لیے آپ عورتیں ہیں, ورنہ تو کوئی جوائنٹ نام رکھ لیا جاتا ہمارا. کسی نے نہ دیکھا میں کتنا بڑا فیمنسٹ ہوں. آپ کے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ کیا چل رہا ہے؟ غیرت کے نام پر مرڈر. 12 ایپیسوڈ, پہلے 12 ایپیسوڈ وہ گناہ کر رہی ہے, شک ہو رہا ہے, حتیٰ کہ شک یقین میں بدل گیا. اس نے تھپڑ نہیں مارا, اس کو اس نے تیزاب نہیں پھینکا اس کے منہ پر, حتیٰ کہ اس نے اسلام آباد سے آنے پر اس کو کراچی ایئرپورٹ پر ریسیو کیا اپنے یار کے ساتھ. اس نے غیرت کے نام پر مرڈر نہیں کیا اس کا. یہ میں تربیت کر رہا تھا مرد کی. بے شرمو, تمہیں تو اس بات پر مجھے داد دینی چاہیے تھی کہ ایک مرد لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایسی عورت کو مارنا نہیں, اس کو اللہ کے حوالے کرو, گناہ کرنا آپ کا حق ہے, پھر آپ جانو اور اللہ جانے اس حق کے بدلے میں آپ کو واپس کیا ملتا ہے. گناہ کرنے سے تو آپ نہیں روک سکتے نا. مجھے یاد ہے میں جناب آباد میں روگن کر رہا تھا تو جسٹس جاوید اقبال صاحب گزرے تھے. ان دنوں چونکہ میں اردو میڈیم تھا تو بہت انگریزی بولتا تھا, تو پڑھائی کے لیے پیسے نہیں تھے, لیکن اب وہ 3 سال میں پڑھ نہیں سکا تھا تو ابا کے ساتھ کام کرتا تھا, ابا چھوٹے سے کانٹریکٹر تھے وہاں. تو اینی واز ٹاکنگ ٹو سمبڈی, یورپین تھا, اینڈ آئی ہارڈ دس پرٹیکولر, آئی اوور ہارڈ دس پرٹیکولر لائن, اٹ از رائٹ آف ایوری بڈی ٹو کمٹ اے سین اینڈ دا ریسٹ آئی نیو, میں باقی نہیں سنا. اٹ از رائٹ آف ایوری بڈی ٹو کمٹ اے سین, بٹ باقی میں آپ کو بتا دیتا ہوں وداؤٹ ہیئرنگ فرام ہم, but be ready to get punished equal to that. If you are ready to get punished equal to that, commit the sin, nobody will make you stop. You can murder, you can rape, you can commit dacoity, can anybody stop you? Nobody can. تو اس نے گناہ کر لیا, تو گناہ جو ہے اس کی سزا اور جزا ہمارے اختیار میں نہیں ہے, وہ اللہ کے اختیار میں ہے یا کورٹ کے اختیار میں. یہ میسج کسی نے نہ پڑھا, کسی نے نہ سنا,
किसी को इतनी अकल और शऊर नहीं आया कि आप बाबांगे दोहल, आपको चूंकि स्क्रीन अवेलेबल है तो मैं तो प्रोड्यूसर हूं यार, मुझे तो फिर बड़े वक्त के लिए स्क्रीन अवेलेबल है। मैं डायरेक्टर हूं, मैं राइटर हूं, स्क्रीन का नाजायज फायदा उठाना इतना बड़ा जुर्म है आज कि इसके लिए भी लॉ बनना चाहिए। मुंह उठा के कुत्ते की तरह भौंक देना किसी आदमी के खिलाफ, दैट एडवांटेज शुड नॉट बी गिवन जस्ट बिकॉज यू आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। ये हुआ और 90% लोगों ने ये बिलीव कर लिया कि वो लाइन यही थी, 2% की औरत। फिर उस पर सट्टेबाजी शुरू हुई कि वो ये करेगा, वो ये करेगा, वो ये करेगा, और उसको बिलीव कर लिया गया। आपको पता है हमारे जो एक सिलेबस ना होने की, एक सिलेबस कहूंगा तो कहेंगे इमरान खान का है। इमरान खान जब ये सोचता नहीं था तब मैं बिलीव करता था और चीख चीख कर अपने दोस्तों से कहा करता था इस मुल्क की तकदीर नहीं बदलेगी जब तक सिलेबस डिस्क्रिमिनेशन होगी। ये जो गाड़ियों के पीछे एचिसोनियन, रावियंस, पंजाबियंस, लकासीज, ये क्या है? ये आपके 72 फिरकों के बाद नए कुछ फिरके हैं, याद रखिएगा। ये असले की बात नहीं है खुदा की कसम। हमारा प्रॉब्लम कौम का क्या है, हम उन बातों पर हंस देते हैं जब रोना चाहिए। किसी जमाने में अब्बा के दोस्त आते थे, पूछते थे, हाँ जरा सवाल का जवाब दे, कितने तुम इंटेलिजेंट हो, और हम तैयार होकर खड़े हो जाते थे, वो सवाल पूछते थे। आज पूछते थे कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, महंगा कितना। तो ये अपसाइड डाउन हो गई, हम इसको डाउन साइड अप समझते रहे। तो देयर इज नथिंग लाइक वीमेन मार्च, वी आर टू टुगेदर फाइट फॉर आवर राइट्स, मी फॉर योर्स एंड यू फॉर माई माइन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।